So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's over Facial Check and you are watching DFS Blogs. So मैं आज आप लोग के लिए इतना शानदार इतना धमाकेदार विला लेके आया हूँ ना, आप लोग की आंखें खुली रह जाएंगी। ये जो विला मैं आज एक्सप्लोर करने आया हूँ ना, वो है लोनावला में। लोनावला मेन लोनावला में ही है, ऐसा नहीं आप लोग को अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये जो जगह है ना गाइस, इतनी शानदार जगह है ना, लेकिन पूरी कॉलोनी आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, ये पूरी कॉलोनी है। अगर आप लोग अपने लव वन के साथ आओगे, आप लोग कपल के साथ आओगे, तो आप लोग कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग को यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अभी मैं आप लोग को पूरा विला का टूर दूंगा, आप लोग विला देखना, विला काफ़ी शानदार है। तो चलो बिना किसी देरी के आप लोग को विला का टूर देता हूँ। सो गाइज, ये है हमारा BBF विला, जो कि है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर के नाम से। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को एक कार पार्किंग दी हुई है। कार पार्किंग आप लोग की काफ़ी बड़ी कार है, हम लोग की छोटी कार है तो आराम से खड़ी है। अगर आप लोग फॉर्चुनर वगैरह स्कॉर्पियो वगैरह लगे तो वो भी खड़ी हो जाएगी। तो आओ मेरे साथ, आप लोग को अंदर का टूर देता हूँ। आ जाओ गाइस, आप लोग को विला दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दी हुई है पार्किंग, पार्किंग है जस्ट बाजू में, यहाँ पर स्टेयर्स दी हुई है। स्टेयर्स से ऊपर आते ही यहाँ पर आपको बनाया हुआ है एक आर्टिफिशियल गार्डन, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बैठ के, आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स का, जैसा कि आप लोग को लोगो दिखा बेस्ट फ्रेंड्स का, आप लोगों ने यहाँ पर लोगों ने वो दिया हुआ है। यहाँ पर रात में लाइटिंग भी चलती है, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये अपनी बाहर की एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस वहाँ से है, तो मैं आप लोग को यहाँ से लेके चलता हूँ, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ तो गाइज, ये है अपने इस विला का हॉल, और ये हॉल में काफ़ी एस्थेटिक सी वाइब दी हुई है। देख सकते हो आप लोग, दो सिंगल सोफे और एक डबल सोफा डाला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी एस्थेटिक वाइब देता है। यहाँ पर एक फोटो फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ पर एक बुद्धा का फ्रेम दिया हुआ है, और तो ऊपर लाइट दी हुई है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना ये विला को काफ़ी शानदार बनाती है, काफ़ी खूबसूरत बनाती है। यहाँ पर स्पीकर भी दिया हुआ है, आपको LED TV भी मिल जाएगी। तो गाइज चलो, अभी आप लोग को किचन का टूर देता हूँ। किचन आप लोग को यहाँ पर हॉल में अटैच है किचन। यहाँ पर आप लोग को डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा डाइनिंग टेबल दिया हुआ, काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। देख सकते हो अभी आप लोग अंदर आ सकते हो। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है एक बेडरूम। तो पहले भी आप लोगों को किचन दिखा देता हूँ। किचन में आप लोग आते ही ना, ओपन किचन दिया हुआ है। ओपन किचन में आते आप लोगों को सामने एक फ्रिज मिल जाएगी, जो कि काफी क्लीन फ्रिज है। और यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑयल वाला गैस मिल जाएगा, आपको सारी किचन की एसेंशियल चीजें मिल जाएंगी, ओवन मिल जाएगा, और यहाँ से दिया हुआ पूल का रास्ता। तो पहले चलो आप लोग को पहला बेडरूम दिखाता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ, फिर आप लोग को पूल दिखाता हूँ। आगे मेरे साथ यहाँ पर नीचे पहला एक बेडरूम दिया हुआ है, जो कि बेडरूम में आते आप लोग को काफी एक सिंगल बेड मिल जाएगी, काफी क्लीन बेड है, काफी अच्छा कुछ इंतजाम हुआ है। ऐसा कि नहीं बेडशीट वगैरह गंदी है, सब कुछ एकदम क्लीन है। और यहाँ पर आप लोग को अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, एक आप लोग को कबाड़ मिल जाएगा, और अगर आप लोग को और लोग आओगे तो ऊपर एक आपको बेडशीट भी मिल जाएगी। तो चलो अभी आप लोग ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर का टूर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग को टॉवल और शैम्पू और साबुन वगैरह सब प्रोवाइड करके दिया जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, ये सारे विला वाले करना चाहिए, बट कोई कोई विला वाले ही करते हैं, तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच BBF फॉर दिस। चलो अभी आप लोगों को मैं ऊपर लेके चलता हूं। यहां पर स्टेयर्स दी हुई है जस्ट फर्स्ट बेडरूम के बाजू से, तो आ जाओ आप लोग मेरे पीछे पीछे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये काफी खूबसूरत बनाया हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ है, काफी सारे स्टैचूज रखे हुए हैं, जो कि काफी अच्छे लगते हैं, काफी एस्थेटिक लगते हैं। फोटोज वगैरह आप लोग यहाँ पर लोगे तो वो भी काफी अच्छी आएगी। तो आज मैं आप लोग को ऊपर लेके चलता हूँ। और यहाँ पर ऊपर आते ही ना आपको दो बेडरूम मिल जाएंगे, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर चलो पहले राइट हैंड साइड वाला बेडरूम दिखाता हूँ, जहाँ पर है वाटर। आ जाओ मेरे साथ। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ आप लोग को मिलेगी 2 डबल बेड। देख सकते हो, अगर आप लोग बड़े ग्रुप के साथ आओगे ना, तो आप लोग ये रूम में रुक सकते हो, काफ़ी स्पेशियस रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। देख सकते हो काफ़ी क्लीन भी है, जैसे कि ओवरऑल ये विला के सारे रूम ना एकदम क्लीन है, तो मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी, तो इसके लिए बिग थम्स अप। और यहाँ पर एक बार सबसे अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, दिखा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक बड़ा सा खूबसूरत सा बाथटब। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ का दूसरा लास्ट और थर्ड बेडरूम। तो आ जाओ आप लोग मेरे पीछे पीछे। तो ये जो है, ये है यहाँ का लास्ट बेडरूम, और ये भी इधर भी सिंगल बेड दी हुई है। बैठने के लिए एक सोफा भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर आप लोग एक चेयर भी दी हुई है, कबाड़ भी दी हुई है, ऑल ओवर सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम भी है, जैसे कि सारे बेडरूम में है, और यहाँ से विंडो से काफ़ी अच्छी लाइट आती है। तो यहाँ से है जो किचन से अपनी एंट्रेंस है, यहाँ से पूल के लिए, जो कि यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है एक बारबेक्यू, देख सकते हो आप लोग, और छोटा बारबेक्यू दिया हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक स्पेशियस लॉन टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पर इट्स टाइम टू रिवील सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने विला की, जो है एक स्विमिंग पूल, जो आपको एक प्राइवेट स्विमिंग पूल मिलता है। यहाँ पर आ जाओ, अभी आप लोग को दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप लोग आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह लगाई हुई है। यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, जो कि आप लोग पूल से निकल के आराम से चिल कर सकते हो। और यहाँ पर है हमारा पूल, जो कि देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर फाउंटेन वगैरह दिया हुआ है पूल में। और यहाँ पर पूल का जो पानी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और एकदम क्लीन पूल को रखा गया है। फिर आप लोग को पूल का साइज बताता हूँ, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से जो कि है यहाँ पर एक फाउंटेन दिया हुआ है, और ये है अपने पूल का साइज, जो कि काफ़ी बड़ा साइज है पूल, और ये कुछ 5.5 फीट डीप है।
जो कि काफी ज्यादा डीप है, तो आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। आप लोग अगर फ्रेंड्स के साथ आओगे, फैमिली के साथ आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर एक छोटा सा गजीबो टाइप बनाया हुआ, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट यहाँ पर आप लोग बस बैठ के चिल कर सकते हो। पूल के साइड में आप लोग देख सकते हो ट्रीज वगैरह दिए हुए हैं, और यहाँ पर पीछे साइड पूरा माउंटेन दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग पूल के। यहाँ पर पूरा माउंटेन दिया हुआ है, ओपन व्यू दिया हुआ है पूरा। तो बस अभी मैं जाता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर आप लोग को मिलता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये होने वाला है हम लोग का ब्रेकफास्ट। अगर आप लोग को फूड वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग को यहाँ पर ये लोग हर चीज प्रोवाइड करा के दे देंगे। आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना कि आप लोग को तीनों टाइम का मील चाहिए, तो वो लोग का कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होगा, वो आप लोग पे कर देना, तो आप लोग को वो लोग अवेलेबल करा के दे देंगे। बाकी जैसे कि यहाँ पर आप लोग को ना मेन्यू भी है, जो कि यहाँ पर एक रेनबो रेस्टोरेंट करके है, जो यहाँ पर बिना पे भी खाना प्रोवाइड करती है। तो आप लोग ये नंबर पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ से सब कुछ मंगा सकते हो। यहाँ पर काफी सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये मेन्यू में दिया हुआ है, काफी सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो बस अभी हम लोग ये सारी चीजें खत्म कर लेते हैं, आगे का जैसा भी अपडेट रहता है आपको बताते हुए चलते हैं। गाइस देख सकते हो अभी आउटफिट हो चुका है, चेन लगा चुके हैं, स्विमिंग के आउटफिट में फुल ब्लैक पहन चुके हैं। तो चलते हैं और पूल में डुबकी मारते हैं, देखते हैं पूल की गहराई कितनी है। Sins, I keep a list and checking it twice. So guys, अभी हम लोग पूल से निकल के आ चुके हैं और टाइम देख सकते हो आप लोग 5:06 हो रहा है और सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका है। और अभी जस्ट मैंने यहाँ की टेरिस देखी, यहाँ की टेरिस ना गाइस और भी ज्यादा खूबसूरत है, तो अभी चलता हूँ आप लोगों को भी टेरिस दिखाता हूँ। तो चलो मेरे साथ, एक जो टेरिस है ना वो लेफ्ट हैंड साइड है, एक टेरिस जो है राइट हैंड साइड है। पहले आप लोग राइट हैंड साइड वाली टेरिस दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आओ। आप लोग ये देखो टेरिस है राइट हैंड साइड वाली, यहाँ पर पूरा सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग आराम से बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। तो और ऊपर लाइटिंग वगैरह दी हुई है, और यहाँ पर आप लोग बर्थडे डे सेलिब्रेट करना है तो आप लोग बर्थडे डे भी सेलिब्रेट कर सकते हो, काफी अच्छा व्यू आता है। तो ये है यहाँ की सेकंड टेरिस, जो कि थोड़ी सी छोटी है, और यहाँ से ना पूरा आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे दिखेगा, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से आपको पूरी कॉलोनी भी पूरी साफ दिख जाएगी, लाइक देखो वहाँ पर एक पूल दिया हुआ है, काफी बड़ा पूल है, और यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन चालू है, और यहाँ पर लाइन से बंगलो है सब। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हो रहा है अपना बारबेक्यू, यहाँ पर चिकन हम लोग लेके आए थे घर पे से, तो अगर आप लोग आओगे तो चिकन लेके आना, कोयला जला लेना अगर आप लोग को जलाने आता तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई जलाने में। तो अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, रात के 8:30 बज चुके हैं, और मैंने अभी बाहर से खाना भी मंगाया, तो भी आप लोग को दिखाऊंगा जब हम लोग खाने बैठेंगे। तो अभी रात का आप लोग पूल साइड का व्यू देख लो कैसा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो ये होने वाला है आज का हम लोग का रात का डिनर। ये जो मैंने आप लोग को सुबह मेन्यू कार्ड दिखाया था ना, मैंने उन लोग से ही मंगवाया है, जो कि मैंने मंगवाया बटर पनीर मसाला एंड दाल फ्राई और राइस इस, और बाकी ये चिकन हम लोग घर पे से लेके आए थे, जो हम लोग ने बारबेक्यू किया, और ये हम लोग ने ब्रेड मंगाई है। तो ओवरऑल यही खाना आज का हम लोग का होने वाला है, और देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है। तो बस मैं इसे खत्म कर लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। सो गाइज लेट्स गो होम, इट्स टाइम टू चेक आउट। हम लोग का टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का, और अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 11 बज चुके हैं, और यहाँ से 11 बजे का ना चेकआउट रहता है। तो जैसे हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए, हम लोग कैसा ना कि 9 बजे उठे थे, तो हम लोग इसके लिए अभी नहा धो के फ्रेश हो गए, बस निकल रहे, गाड़ी पर सामान वगैरह डाल रहे हैं। तो यहाँ की डिटेल वगैरह की बात करूँ, प्राइस वगैरह की बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो आपको विला पड़ेगा ना, ये पड़ेगा आपको 7,000 रुपीज़ का, अप टू 10 पीपल्स। आप लोग बात कर लेना वहाँ पर कैसा भी है कैसा, हम लोग 4 पीपल आए थे, तो आप लोग वहाँ पर बात करके जितना भी आप लोग से नेगोशिएशन होता है आप लोग करके बात कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में ना नंबर वगैरह सब दे दूंगा, एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा, विला का लोकेशन तक डाल दूंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप लोग जाके वहाँ से चेक कर लेना, और डायरेक्ट भाई बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग को भाई अच्छा ऑफर दे देंगे, तो आप लोग भाई से डायरेक्ट जाके बात कर लेना।